बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट विद द मार यूट्यूब चैनल और सारे दोस्तों बहुत ज़्यादा वेलकम। अच्छा जी, जड़े दोस्त नए आए या कम अज़ कम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, जो दोस्तों ने टाइम कढ़िया वीडियो देखने लिए वो दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा जी, असी गल करनी है मुहम्मद आमर के उपर, थोड़ी जी मुहम्मद रिजवान के उपर, और कह लो कि जिन्हें भी पाकिस्तान के काउंटी खेलन गए हुए क्रिकेटर, हारिस रऊफ हो गए या शाहीन अफरीदी हो गए, थोड़ी जी गल असी उन्होंने उपर भी करनी है। सब तो पहले आगाज़ करांगे मुहम्मद आमर के उपर। मुहम्मद आमर नू मतलब कि की ऐसी सूझी है कि उन्होंने टैसट क्रिकेट पाकिस्तान की तो रिटायरमेंट का तो ऐलान करता सी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जी जरा जिसम ऑफ फटीक नहीं चल सकता, लेकिन बंदा पूछे उदन तुम रिटायरमेंट लै ली टैसट क्रिकेट के उपरों, थानू मतलब कि चीफ सिलैक्टर ने और PCB ने ऐसी झंडी दिखाई कि उन्होंने टीम के दाखिला ही मना करता। हालांकि उन्होंने भी ज्यादा की है मुहम्मद आमर, उन्होंने चलो टैसट क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली, सारे ने एहतजाज किया कि टैसट क्रिकेट खेलनी चाहिए सी, लेकिन हूँ मुहम्मद आमर उही मुहम्मद आमर आ, उही जिसम आ, उही फटीक आ कि मुहम्मद आमर ने जाके टैसट चैंपियनशिप जी उन्होंने इंग्लैंड की काउंटी होंगी है वह भी जाके खेल ली और उत्थे बॉलिंग भी करवाई और 5 रोज़ा टैसट मैच थोड़ा पता होंगे जाके उत्थे खेलते रहे। हूँ मुहम्मद आमर को बंदा पूछे कि कितने मतलब थोड़ी फटीक गई, पैसे तो पिछे करने सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन मसला यह कि अगर मुहम्मद आमर पाकिस्तान टीम को अवेलेबल होंगे, कम अज़ कम पाकिस्तान टीम का बॉलिंग लाइनअप जरा स्ट्रोंग हों, और हाले भी मुहम्मद आमर को चाहिए कि रिटायरमेंट वापस ले लैन। अगर इन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, मैं ये यकीन आ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरा बिल्कुल नज़रसानी करेगा और इन्होंने टीम के वापस लैके आया जाएगा, क्योंकि मुहम्मद आमर एक्सपीरियंस बॉलर आ और तजर्बा वा और कह लो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर के इन्हों का शुमार जरूर होंगे, और वर्ल्ड कप T20 2022 हो सकता कि अगर रिटायरमेंट वापस ले ली तो चांस दिता जा सकता वा। हूँ गल करेंगे जी मुहम्मद रिजवान की। मुहम्मद रिजवान तो यार आउट क्लास SNM क्रिकेट खेल रहे हैं और टैसट मतलब जो उन्होंने जी काउंटी खेली है वह भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, शान मसूद ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। शान मसूद की तो चलो गल ही अलग है ना, उन्होंने 2 डबल सेंचुरियां करके मतलब के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता सी, और मुहम्मद रिजवान ने लास्ट मैच है T20 का पहले ही मैच के कह लो कि ब्लास्ट T20 सीरीज़ के 82 की इनिंग्स खेली 85 या 82 की, और पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने पहले ही मैच के इन्ना बड़ा रन स्कोर किया। और मुहम्मद रिजवान थोड़ा पता 2021 भी हाईएस्ट रन स्कोर रहे सी पूरी वर्ल्ड के, उन्होंने कि स्केल का रिकॉर्ड भी 1615 या पता नहीं समथिंग सी वो तोड़ता सी एक कैलेंडर ईयर के। गल कह है कि शाहीन अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और पाकिस्तानी ने मतलब जिन्हें पाकिस्तानी काउंटी क्रिकेट खेलन गए अपनी दाग उन्होंने जरूर बिठाई है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट लिए बहुत जबरदस्त चीज़ आ, और इंडिया ने भी यही चाहिए कि इंडिया ने सिर्फ अपने प्लेयर जो IPL तक महदूद किए हुए, हालांकि उन्होंने भी पूरी दुनिया की जिनी लीग्स होंगी कम अज़ कम 2-3 लीग्स की इजाजत देनी चाहिए है इंडियन क्रिकेट बोर्ड में, ताकि एक्सपोजर जरा वह ज़्यादा हो सके। कम अज़ कम चलो इंटरनेशनल क्रिकेट से तो बैन करो, लेकिन जो बेचारे थोड़े IPL खेलते हैं लोकल प्लेयर आ जो आना चाहते हैं इन्हें तो थोड़ा बहुत नाम बनया हुआ वा, उन्होंने इन्हों जरूर मौका देना चाहिए कि जाके वर्ल्ड की लीग के बिग बैश होगी पाकिस्तान सुपर लीग होगी और खेलन ये ठीक है जी। और दूसरा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, पाकिस्तान ने दावत दी सी इन्हों कोहली कि कोहली आ गए कश्मीर KPL खेले, लेकिन हूँ हो सकता कोहली ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोहली आन गए, मेरा नहीं ख्याल कि कोहली आन गए, लेकिन दावत देना अच्छी गल है, बल्कि पूरे इंडियन क्रिकेट बोर्ड में दावत देनी चाहिए थी कि अपने खिलाड़ी भेजो ताकि पूरी दुनिया जी KPL भी शिरकत कर सके और पाकिस्तान का मतलब कि इमेज मजीद बेहतर हो सके, क्रिकेट लिए बेहतरी हो सके। बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलेंगे जी, बहुत सारा ख्याल रखे और अपना कमेंट करके तो ये दसना कि क्या इंडियन प्लेयर को KPL शामिल होना चाहिए या नहीं, और PSL भी इंडियन क्रिकेट में शामिल होना खिलाड़ियों को चाहिए या नहीं, और दूसरा है कि IPL इन्नी बड़ी लीग पूरी दुनिया की होंगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल जरूर करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।